फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी, उन्होंने आपको बुलाया दो दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो फिर हम मिलेंगे, तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। अपने बेटे को खोया है। तो क्या कुछ कहेंगे? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं बहुत एक साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा, उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। मंजू सिंह नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि राहुल जी ने जो राष्ट्रपति भवन में हम लोग गए थे अलंकरण समारोह में, तो राहुल जी वहां अपोजिशन लीडर की हैसियत से आए थे, तो राहुल जी की ये दरिया दिली है कि वो देश के शहीदों को एक्नॉलेज करने के लिए, चूंकि आज रायबरेली आए हुए थे और हम लखनऊ में स्टे करते हैं, हमारा घर लखनऊ है, तो उन्होंने ये बुलाया। और राहुल जी का बेसिक ये था कि जो बेटे के खोने का गम है, राहुल जी भी अपने पिता और दादी को खो चुके हैं तो समझ सकते हैं कि ये दर्द कैसा होता है। मैंने अपने जवान बेटे को खोया, तो उन्होंने बस इसीलिए सांत्वना के लिए बुलाया कि ये देश आपके साथ है और आपका बेटा जो कर गया इस देश के लिए बहुत कुछ किया, सेना इसके लिए ऋणी रहेगी और हम सब आपके साथ हैं। मैं रवि प्रताप सिंह, फादर ऑफ शहीद कैप्टन अनुसुमान सिंह।